आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। डे थर्ड फॉर बिगिनर, बिगिनर को तीसरे दिन क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, आज ये डिस्कस करेंगे। और ये है आपका फर्स्ट वर्कआउट। कल हमने लिया था चेस्ट बैक शोल्डर और आज हम लेंगे बाइसेप्स ट्राइसेप्स। देखिए किस तरीके से ट्रेन करना है। हाथ पूरे खोल, नीचे उठा उठा, स्लो एंड इफेक्टिव। सो ये है ट्राइसेप्स के लिए वर्कआउट, बाइसेप्स का वर्कआउट, ट्राइसेप्स का वर्कआउट। सो दिस इज अगेन वर्कआउट फॉर बाइसेप्स। ये आपका बाइसेप्स का सेकंड वर्कआउट है। सो दिस इज वर्कआउट फॉर ट्राइसेप्स, सेकंड वर्कआउट है। सो दिस इज द थर्ड वर्कआउट फॉर बाइसेप्स, हैमर कर्ल। तो ये है ट्राइसेप्स का तीसरा वर्कआउट और ऐसे ही आपको वर्कआउट लेना है अपना। सो ये मैंने आपको दिखाया आज बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का वर्कआउट, ये आपको कंबाइंड लेना है। ये तीन वर्कआउट के साथ आपको वर्कआउट करना है एटलीस्ट 25-30 मिनट्स का, क्योंकि बिगिनर आज थर्ड डे हम शो कर रहे हैं। और एक्सरसाइज में आने से पहले लड़कों का क्वेश्चन रहता है बिगिनर्स का कि जिम में क्या खा के आए। अगर आपको साइज गेन करना है तो कम्प्लेक्स कार्ब आप लोड करके आए घर से। आप एक बॉइल्ड पोटैटो ले सकते हैं कर्ड के साथ, या फिर आप राइस ले सकते हैं वाइट राइस बॉइल्ड, या अगर वो भी नहीं मिलता तो ओट्स ले सकते हैं एक बाउल। और यहाँ से जाने के बाद क्या खाना है आपको वेट गेन करने के लिए, बनाना शेक या चीकू शेक, प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है तो दैट्स गुड। गेनर से बचे, गेनर के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तो ऐसे ही टिप्स और मोटिवेशनल ब्लॉग्स के लिए मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम, जय गौ माता की।